इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने शहरवासियों से एक अनोखी अपील की है। महापौर ने शहर को प्रदूषण से मुक्त करने और ट्रैफिक जाम जैसे गंभीर समस्या से निपटने के लिए शहरवासियों से एक दिन कार नहीं चलाने की अपील की है। महापौर ने 22 सितंबर को नो कार डे घोषित किया है। महापौर ने एक सूचना पत्र जारी करते हुए शहरवासियों से एक दिन कार को छोड़कर बाइक या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल का इस्तेमाल करने की अपील की है। महापौर ने उम्मीद जताई है कि इंदौर शहर की जागरूक जनता इस अभियान में भी अपना योगदान देगी। नमस्कार, स्वच्छता का सिरमौर अपना इंदौर, भारत का सबसे स्मार्ट शहर अपना इंदौर, अभी वायु सर्वेक्षण में, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में भी नंबर 1 आया है। इस प्रयास को और आगे बढ़ाने की दृष्टि से क्यों ना हम एक दिन बिना कार के अपने घर से निकलें। उसके 3 फायदे हैं। जितनी कम कारें सड़कों पर होंगी उतना कम प्रदूषण होगा, उतना ट्रैफिक का दबाव कम होगा और हमारी वायु भी और स्वच्छ सुंदर होगी। और कितने पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हमको जरूरत पड़ सकती है यदि कारें सड़कों पर कम होती हैं तो। इस प्रयास के साथ 22 सितंबर को मैं इंदौर के सभी नागरिकों से, कार चालकों से ये आह्वान करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि वे प्रयास कर 22 तारीख को अपनी कार का उपयोग ना करें और घर से टू व्हीलर से, ई रिक्शा से, संभव हो तो पैदल, साइकिल से अधिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें और स्वच्छ वायु में भी, अच्छे ट्रैफिक में भी इंदौर को नंबर 1 बनाने में अपना सहयोग दें। ट्रैफिक में भी बनेगा इंदौर नंबर 1। उम्मीद है कि महापौर पुष्यमित्र भार्गव की इस अपील के बाद शहरवासी एक दिन कार को छोड़कर पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल का इस्तेमाल करेंगे ताकि शहर से वायु प्रदूषण कम हो सके।